हिंद कैडेट, मेरा नाम अनुराग विजय कुमार पांडे, मैं वीपीएन आरपीटीटी साइंस कॉलेज में अध्ययन करता हूँ। मैं 13 गुजरात बटालियन एनसीसी वीवी नगर ग्रुप में कैडेट हूँ। आज का मेरा विषय है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, मतलब स्वच्छता और सफाई। चलिए मैं आज आपको बताऊँगा प्रेजेंटेशन के थ्रू स्वच्छता और सफाई के बारे में। परिचय। स्वच्छता और सफाई बनाए रखना कई कारणों से आवश्यक है, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक या बस जीवन के तरीके के रूप में। स्वच्छता का एक अच्छा मानक रखने से संक्रमण, इल्नेस और खराब गंध के विकास और प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता एक पूरे के रूप में व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य को संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इसका अध्ययन कैडेटों को कई रोके जाने योग्य स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वयं और उनके समुदाय की देखभाल करने में सक्षम बनाना है। व्यक्तिगत स्वच्छता में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी इसलिए व्यक्ति के साथ निहित है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में रहना चाहिए, तभी वह समुदाय और देश की अच्छी सेवा कर सकता है। हाइजीन मतलब स्वच्छता। इस वीडियो लेक्चर में हमने हाइजीन के तीन अलग भाग किए हैं। पहला है पर्सनल हाइजीन मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा है फूड हाइजीन मतलब खाने की स्वच्छता, और तीसरा है कैंप हाइजीन मतलब शिविर की स्वच्छता। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ पर्सनल हाइजीन की तरफ, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर। व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में एक व्यक्ति द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्वच्छता के माध्यम से की जाने वाली प्रथाओं को शामिल किया जाता है। बीमारी को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन प्रथाओं से संबंधित है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के रखरखाव और प्रचार में मदद करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें जैसे हाथ धोना और दांतों को ब्रश करना बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी को दूर रखेगा। मानसिक और शारीरिक लाभ हैं। अच्छे शरीर की स्वच्छता का अभ्यास करने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत स्वच्छता के मुख्य घटक हैं शरीर। सीप की अवधि की आवश्यकता अलग अलग उम्र के साथ होती है। नींद की औसत आवश्यकता दिन में लगभग 7 से 8 घंटे होती है। आपका शरीर नियमित रूप से, आपका शरीर लगातार त्वचा को बहा रहा है, उस त्वचा को उतरने की जरूरत है, अन्यथा यह बीमारियों को जन्म देगा, जो दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियों का कारण बन सकता है। नाखूनों और संक्रमित नेल बेड को लटकाएं। पैर जो साफ और सूखे हैं वे एथलीट के पैर से संपर्क करने की संभावना कम है। नींद शरीर और दिमाग दोनों का आवधिक आराम है और यह स्वस्थ स्नान के लिए बेहद आवश्यक है। त्वचा को साफ और स्वस्थ स्थिति में रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपने दांतों को दिन में 2 बार धोएं। ब्रश करने से मुंह में अंगुली और पैर के नाखूनों की छंटनी और अच्छे आकार में बैक्टीरिया के संचय में कमी आती है, जैसे कि समस्याओं को रोका जा सकेगा। लटकते हुए नाखून और विभक्त नाखून बेड। पैर जो साफ और सूखे हैं वे एथलीट फुट के संपर्क में आने की संभावना कम है। तो देखा कि आपने क्या होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। तब मैं आपको लेकर चलता हूँ फूड हाइजीन के लिए, मतलब खाने की स्वच्छता। फूड हाइजीन वह स्थिति है और जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उत्पादन से लेकर उपभोग तक किसी भी बिंदु पर भोजन या कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, परिवहन और वनीकरण के दौरान भोजन दूषित हो सकता है। पर्याप्त खाद्य स्वच्छता का अभाव खाद्य जनित बीमारियों और उपभोक्ता की मृत्यु का कारण बन सकता है। भोजन को सुरक्षित करने के लिए 5 कुंजी नीचे सूचीबद्ध हैं। स्वच्छ रखें। कच्चे और पके हुए सामानों को अलग कर लें। अच्छी तरह से पकाएं। भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखें। सुरक्षित पानी और कच्चमाल का उपयोग करें। खाद्य स्वच्छता भोजन के महत्वपूर्ण घटक। संक्रमण का एक संभावित स्रोत है और किसी भी बिंदु पर सूक्ष्मजीवों से संदूषण के लिए निर्माता से कंज्यूमर की यात्रा के दौरान होता है। भोजन के दूषित होने की रोकथाम को उत्पादन से लेकर हैंडलिंग, वितरण और सेवा करने के लिए देखा जाता है। खाद्य स्वच्छता के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं। दूध की स्वच्छता, पास्तुरीकरण, मछली की स्वच्छता, एग स्वच्छता, फल और सब्जियां स्वच्छता, दूध की स्वच्छता, मिल्क हाइजीन,
दूध कई रोग जीवों के लिए एक कुशल वाहन है। दूध का प्रदूषण संक्रमित जानवर, मानव हैंडलर या पर्यावरणीय कारकों के माध्यम से हो सकता है। स्वच्छ और सुरक्षित दूध प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पशु और उसके आसपास का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। दूध देने से पहले ठीक से धोया जाना चाहिए। पशु को मिल्क हैंडलर किसी भी संचारी रोग से मुक्त होना चाहिए। दूध के जहाजों को साफ किया जाना चाहिए, स्वच्छता और कवर किया जाना चाहिए। पानी की आपूर्ति सुरक्षित होनी चाहिए। पास्तुरीकरण, पास्चराइजेशन, यह इस तरह के तापमान के लिए दूध की गर्मी है और ऐसे समय के लिए जैसे पोषक तत्वों के मूल्य को नष्ट किए बिना किसी भी रोगजनकों को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। यह स्वाद में बदलाव नहीं करता है। मछली की स्वच्छता, फिश हाइजीन, मानव उपभोग के लिए मछली ताजी होनी चाहिए। ताजी मछलियों में गिल्स चमकदार लाल होती हैं और आंखें स्पष्ट और प्रमुख होती हैं। दूषित मछली के सेवन से मछली की विषाक्तता बढ़ सकती है। एग स्वच्छता, एग हाइजीन, यद्यपि ताजे बिछे हुए अंडों का अधिकांश भाग अंदर बांझ होता है, मुर्गी से मल के मामले से अंडे का खोल दूषित हो सकता है। खाना पकाने से पहले अंडे को ठीक से धोया जाना चाहिए। फल और सब्जियां स्वच्छता, फ्रूट एंड वेजिटेबल हाइजीन, रोगजनक जीवों प्रोटोजोअन और हेमिनिड्स के प्रसार के लिए फल और सब्जियां एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। खाने से पहले कच्चे फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने की जगहों की स्वच्छता, खाने की जगह गंदी जगहों, खुली नालियों, जानवरों, शीट खाद, सूखने वाले गड्ढों और ऐसी अन्य जगहों के पास नहीं होनी चाहिए। फर्श को साफ करना आसान होना चाहिए और अधिमानतः टाइल होना चाहिए। भोजन के भंडारण के लिए कमरे में अच्छी तरह हवादार, कीट और चूहे प्रूफ होने चाहिए और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। पेरिशेबल और गैर खराब होने वाली वस्तुओं को अलग से रखा जाना चाहिए। फर्नीचर मजबूत और साफ करने के लिए आसान होना चाहिए। इनकार को कवर किए गए डिब्बे में एकत्र किया जाना चाहिए और एल रूप से हटाया जाना चाहिए। पानी की आपूर्ति स्वतंत्र, पर्याप्त और सुरक्षित होनी चाहिए। बर्तनों की सफाई के लिए उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। खाद्य संचालकों की स्वच्छता, भोजन संचालकों की पूरी चिकित्सा परीक्षा रोजगार के समय की जानी चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराया जाना चाहिए। खाद्य संचालकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलुओं पर नियमित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें हाथ धोने, नाखूनों की ट्रिमिंग, बालों को ढकने, ओवलेस पहनने और खाना पकाने के दौरान खांसने और छींकने के दौरान मुंह ढकने के बारे में लगातार याद दिलाना चाहिए। हमने देखा कि क्या होती है फूड हाइजीन, मतलब खाने की स्वच्छता, उसका क्या महत्व है और वो हमारे रोजाना जीवन में कितना उपयोगकारी है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा शिविर की स्वच्छता की ओर, मतलब कैंप हाइजीन। शिविर की स्वच्छता, कैंप हाइजीन, स्वच्छता का अर्थ है रहने वाले क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखना। इसमें अपशिष्ट उत्पादों को निकालना और मना करना शामिल है। रसोई घर, कुक हाउस, शिविर में भोजन की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए और अधिकृत या प्रतिष्ठित डीलरों से खरीदी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरती जानी चाहिए कि शिविरों में फूड पॉइजनिंग का कोई मामला सामने न आए। भोजन परोसे जाने के बाद कैडेट्स को प्रदान किए गए भोजन का एक नमूना 36 घंटे तक संरक्षित रखा जाएगा। खाना बनाना और खाना परोसना, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी पूर्ववर्तियों जैसे खाद्य पदार्थों को काटना, छीलना और धोना अलग कमरे में किया जाएगा। उचित तैयारी टेबल, कटिंग और चॉपिंग ब्लॉक्स का उपयोग उद्देश्य के लिए किया जाएगा। पके हुए भोजन को गर्म और इतना समय दिया जाना चाहिए कि भोजन वितरण से कुछ मिनट पहले तैयार हो। कुक हाउस के कर्मचारियों और बर्तनों की स्वच्छता, स्वच्छता और स्वच्छता का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। छीलने से बचे, अत्यधिक तेल, मसालों, नमक और चीनी का उपयोग करें। सोखते गाडद, सोकज पिट्स, प्रत्येक रसोईया के घर में 6 फीट गहरे और 4% फुट चौड़े गड्ढे होंगे। इन गड्ढों को फ्लाई प्रूफ किया जाएगा, चूने के पत्थर ईंट से भरा जाएगा और पृथ्वी की एक शीर्ष परत के साथ कवर किया जाएगा। अपशिष्ट भोजन को रेफ्यूज गड्ढों में दफनाया जाएगा जो कुक घरों से दूर स्थित होंगे। पानी के बिंदु, वाटर पॉइंट्स, शिविर में उपयोग किया जाने वाला पानी अधिकृत स्रोत से होना चाहिए और स्थानीय चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जांचा जाना चाहिए और पीने योग्य के रूप में प्रमाणित होना चाहिए। आवश्यकता के आधार पर जल उपचार के लिए रासायनिक की खरीद की जानी चाहिए। निम्नलिखित पर जोर दिया जाना चाहिए।
वाटर कंटेनर और आसपास की सफाई सुनिश्चित की जाए। पानी के ठहराव से बचने के लिए उचित जल निकासी सुविधाएं, सूखता गड्ढे, जहां तक हो पेयजल के लिए आरओ प्लांट का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन। अच्छी स्वच्छता और सुरक्षित पानी के साथ पर्याप्त स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मौलिक हैं। कई स्वच्छता कार्यक्रम सरकारी निकायों द्वारा योजनाबद्ध और निष्पादित किए जाते हैं और कुछ लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाने और शिक्षित करने और एक सक्रिय सहयोग की आवश्यकता के कारण सफल होते हैं। शिक्षा कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह स्वच्छता की आवश्यकता की बुनियादी समझ के माध्यम से ही लोगों को इसके कार्यान्वयन के लिए जुटाया जा सकता है। यह केवल तभी होता है जब वे अपने पास मौजूद विषम परिस्थितियों के परिणामों को समझते हैं कि वे अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार। सारांश समरी। शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वच्छता स्वच्छता की परिभाषा में शामिल स्वस्थ आदतें जिनमें स्नान, मुंह को साफ रखना, त्वचा को सूरज से सुरक्षित रखना और खाद्य वस्तुओं के इस्तेमाल से पहले हाथ धोना शामिल है। अच्छे और खराब स्वच्छता। अच्छी स्वच्छता आपको जीवाणुओं और हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षित रखती है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। खराब स्वच्छता इन चीजों को आपके शरीर को प्रभावित करने की अनुमति देती है और संभवतः आपको बीमार बनाती है। अच्छी स्वच्छता के लाभ। अच्छी स्वच्छता हमें बीमार पड़ने से बचाती है। यह हमारे पास वाले लोगों के रोगाणुओं के प्रसार को रोकता है। दूसरों के सम्मुख एक अच्छी छाप दिखाने में मदद करता है। स्वस्थ त्वचा। हाथ धोने कुछ वायरस और बैक्टीरिया कैफेटेरिया की मेजों, डोर के नब्स और डेस्क जैसी सतहों पर 20 मिनट से लेकर 2 घंटे या अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। अपने हाथ कैसे धोएं। बहते हुए गर्म पानी का उपयोग करें। साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करें। कम से कम 15-20 सेकंड के लिए हाथों को रगड़े और नाखूनों के नीचे भी साफ करें। एक साफ कपड़े या पेपर टॉवल से हाथ सुखाए। यदि संभव हो तो एक स्वचालित हैंड ड्रायर का उपयोग करें। दांत और मसूड़े की स्वस्थ। आपके मुंह की स्वास्थ्य और सफाई महत्वपूर्ण है। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग रोकता है। दांतों में छिद्र, सांसों की बदबू आप जीवन में गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह के लिए उच्च जोखिम में हो सकते हैं। कितनी बार और कब कब ब्रश और फ्लॉस करें। कम से कम एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह में और एक बार रात में। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में भी साफ करने पर विचार करें। एक दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करें। अगर आप दांतों में खाना फंसा हुआ महसूस करते हैं तो भी फ्लॉस करें। खाने में सावधानी। आपके मुंह में जीवाणु चीनी से बढ़ता है। जितना संभव हो उतना कम जंक फूड खाने की कोशिश करें। अत्यधिक चॉकलेट और अन्य मिठाई से बचें। सोडा और मीठी चाय पीने से बचें। यदि आप इन चीजों को खा लेते हैं तो आपको तुरंत बाद ब्रश करना चाहिए। सूर्य से बचाव। कैंसर के शोधकर्ताओं का मानना है कि बचपन की सनबर्न के कारण मेलेनोमा त्वचा कैंसर से व्यक्ति के विकास में वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्य और दोपहर बाद के प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अपने आप को कैसे बचाएं। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सूरज से बचें। छाया की तलाश करें, खासकर दिन के मध्य में जब सूर्य की किरणें सबसे मजबूत होती हैं। अपने सिर को एक चौड़े किनारों वाली टोपी से ढके, अपने चेहरे, कान और गर्दन को भी ढके। अपने आप को कैसे बचाएं। धूप के चश्मे पहने। कसकर बुने हुए कपड़े से बने आरामदायक कपड़े चुने। सुरक्षात्मक कपड़ों से ढके। जब आप सूरज में बाहर निकलते हैं तो जितनी संभव हो उतनी त्वचा की रक्षा करें। सनस्क्रीन। सूरज संरक्षण कारक क्रीम 15 या इससे अधिक की SPF के साथ सनस्क्रीन का उपयोग करें। खुली त्वचा पर क्रीम को मुड़ी भर लगाएं। इसे बाहर धूप में जाने के 15-20 मिनट पहले लगाएं। सनस्क्रीन तैराकी के बाद, पोंछने के बाद और पसीने के बाद दोबारा अप्लाई करें। हर 2 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई करें। धुंधले या साफ दिन में भी सनस्क्रीन का उपयोग करें। स्वास्थ्य और खुशी। बीमारी को रोकने के लिए समुदाय की स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संक्रामक एवं स्वयं उत्पन्न बीमारियों से बचाने में स्वच्छता मुख्य रक्षा कवच है।